यार मुझे आपसे दो सवाल पूछने हैं. पहला सवाल हो कि इतने लंबे गैप, आप 30 साल के बाद आ रहे हैं वापस, तो एक सवाल ये है. और दूसरा सवाल ये है कि जानिसार उमराव जान से कितनी मिलती जुलती फिल्म है. तो पहला सवाल तो मुझे लगता है ये ऐसा सवाल है कि जो हर आदमी का जवाब होगा. अब मैं क्या कहूँ, ट्रैफिक जाम बहुत था इसलिए पहुँचने में 30 साल लग गए. लेकिन मैं जो फिल्म बनाता हूँ वो मेरे एक दिल का सफ़र होती है, और मैं सिर्फ बाज़ार के लिए तो फिल्म बनाता नहीं हूँ. और उमराव जान भी एक दिल का सफ़र था, उसके बाद भी जो मैंने कदम उठाए वो भी सब एक हमारी अंदर की जर्नी थी. और मैं अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, हालांकि मेरा पूरा दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय है, लेकिन हमारी जो ज़मीन है, मेरे ख्याल में हर आर्टिस्ट को अपनी ज़मीन से जुड़ा रहना चाहिए. तो मैं सोचता रहा कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो दुनिया को हम बता सकते हैं अपनी सरज़मीन के बारे में. और जो सबसे बड़ी बात मुझे लगी वो ये है कि किस तरीके से हम लोगों पर हुकूमत की, किस तरीके से हम लोगों को धोखा दिया गया और हम लोगों को एक तरीके से खंडित किया गया. तो ये वो कुर्बानियां हैं जो 1857 में हमने दी थी, जिनका इतिहास दबा दिया गया, जला दिया गया. तो वो जो गुमनाम शहीद हैं आज़ादी के, उनकी बात है ये, उनकी कहानी है, उनका संघर्ष है, उनकी जानिसारी है. और अब इसके बाद तो कुछ कहना मुश्किल है कि इसमें उमराव जान में इसमें क्या मतलब सिमिलैरिटी है और क्या फ़र्क है. उमराव जान अपने वक्त की कहानी है, वो एक अजीब अलग तरह का एक इमोशनल डॉक्यूमेंट था. ये एक इमोशनल्स के साथ साथ ये एक वतन परस्ती कभी इसमें एक कि कभी उसमें भावना है, जज्बा है. तो यही फ़र्क है कि वो सिर्फ एक इमोशनल डॉक्यूमेंट था, एक बच्ची की बेबसी की कहानी थी, वो बहुत मुश्किल है उसको दोहराना. और ये कहानी जो है ये वतन परस्ती की कहानी है, जो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आजकल वतन परस्ती लोग समझ नहीं पाते कि वतन परस्ती है क्या. वतन परस्ती मैं समझता हूँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक दूसरे के बीच एक मोहब्बत रहना, यही सबसे बड़ी वतन परस्ती. अगर एक मुल्क ऐसा है जहाँ लोग एक दूसरे को हेट करते हैं तो वो वतन नहीं है. तो ये वो वतन है जिसको अंग्रेज़ों ने हमारे जहन में एक जहर डाला. और इस वक्त हमको आज़ादी जो हमने पहली लड़ाई लड़ी, उसके बाद जो हमारी आखिरी लड़ाई थी 1947 की, उसके बाद हमें नतीजा क्या दिया, हमको दो करके रख दिया. एक बैठा है उस पार, एक बैठे हैं इस पार. ये वो कहानी है. अच्छा मुजफ्फर सर जी, इसका टाइटल पहले कुछ और था, उसके बारे में बताइए. टाइटल पहले था रक्स, और रक्स का भी मतलब हमने एक नया मतलब सोचा था कि एक रक्स एक भी एक एक जिसे कहना चाहिए कुर्बान होने का जज्बा है, कि जैसे परवाना शमा के चारों तरफ रक्स करके कुर्बान हो जाता है. लेकिन इत्तेफाक से हमसे गलती हो गई कि हमने सिर्फ इसको रजिस्टर कराने में देर कर दी, किसी और ने करा लिया. फिर जानिसार मुझे लगा कि ये वाकई जो परवाना जो ख़त्म होता है रक्स करके, असल में होता तो वो जानिसारी है ना. तो हम लोगों ने राय ली, हमारे संकल्प मेशराम बैठे हैं यहाँ, एडिटर साहब, हम लोगों ने काफ़ी से कुश्ती लड़ी टाइटल्स की. फिर लोगों का फैसला हुआ, मीरा ने भी कहा, पर्णिया ने भी कहा कि रक्स से बेहतर है जानिसार. और मुझे लगता है ये टाइटल जो है जब लोगों के दिलों में इस जगह करेगा तो फिर इसमें पर भी लग सकते हैं.